Okay guys, now in this heading we are going to differentiate diamond and graphite. It is a very important question for the board examination. You say एक नंबर के true and false fill the blanks आ सकते हैं. Diamond or graphite? Diamond, graphite, both are cousin brother of each other. चचेरे भाई हैं दोनों. क्यों कह रहा हूं चचेरे भाई? दोनों का डीएनए तो सेम ही होगा मोटा मोटा. क्यों? क्योंकि दोनों किससे मिलकर बने हैं? दोनों कार्बन से मिलकर बने हैं. लेकिन कुछ इनमें डिफरेंसेस आते हैं और कुछ कॉमन बातें भी हैं एक ही खानदान के हैं. एक कॉमन बात, एग्जाम में अगर मैं पूछ लूं कि बताओ इनका टाइप ऑफ सॉलिडनेस कैसी है, ये एमॉर्फस है कि क्रिस्टलाइन है, तो ध्यान रखिएगा डायमंड भी क्रिस्टलाइन होता है और ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन होता है. बोथ आर क्रिस्टलाइन. एग्जाम में आता है डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन व्हाइल ग्रेफाइट इज ब्लैंक कर देते हैं, तो बच्चा सोचता है अगर एक क्रिस्टलाइन होगा दूसरा एमॉर्फस होगा. नहीं, दोनों क्रिस्टलाइन है. क्योंकि क्रिस्टलाइन की कई डिफिनेशनों में एक डिफिनेशन है कि एटम शुड बी वेल अरेंज. एटम्स should be well arranged. This is the definition of the crystalline जो यहां भी follow होती है और यहां भी follow होती है. कैसे? Diamond के अंदर एक atom चार atomों से well arranged linked होता है. ऐसे it is well arranged system. और graphite में एक hexagonal sheet का well arrangement होता है. देखिए ऐसे it is hexagonal sheet, it is well arrangement, रेगुलर अरेंजमेंट आप कह सकते हैं. वेल अरेंज्ड एंड रेगुलर अरेंज्ड. रेगुलर अरेंज्ड, रेगुलर अरेंजमेंट. दिस इज द कॉज मैं कह सकता हूं डायमंड भी क्रिस्टलाइन है और ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन है ड्यू टू वेल एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम. दूसरा बताएं दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा. बताएं दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा. एक सिग्मा, दूसरी सिग्मा, तीसरी सिग्मा, चौथी सिग्मा. चार सिग्मा बॉन्डे हैं, कोई कोऑर्डिनेट नहीं, कोई लोन पेयर नहीं. आंसर चार. चार का मतलब sp3. इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है. और एक बात और, sp3 में ही ph भी है, py भी है और pz भी है. इसका मतलब है ये ट्राई डायमेंशन होता है और जो स्ट्रक्चर ट्राई डायमेंशन होता है वो हार्ड होता है. तो डायमंड के हार्ड होने की वजह भी है ग्रेफाइट. यहां पर एक कार्बन तीन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तीन कार्बन से बाइंड अप होता है. मींस तीन सिग्मा बॉन्ड है, कोई कोऑर्डिनेट नहीं, कोई लोन पेयर नहीं. आंसर तीन. तीन का मतलब sp2 और sp2 का मतलब है इसमें दो ही p होंगे, या px होगा और py होगा. मींस ये टू डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है. एक sp3 एक sp2 है. कोऑर्डिनेशन नंबर, इसकी सराउंडिंग में चार लोग हैं इक्वल दूरी पर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. और यहां पर हर कार्बन की सराउंडिंग में तीन कार्बन है, एक दो और तीन, इक्वल दूरी पर, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आएगा. कंडक्टेंस नेचर, कंडक्टेंस नेचर. इसके पास कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, दैट इज 2.4, और वो चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो चुके हैं. मींस देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये कंडक्टिव नेचर नहीं होता. डायमंड में कंडक्शन नहीं होता. लेकिन यहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, दैट इज 2.4, और 4 में से यूज कितने हुए हैं, केवल 3. मींस हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा होगा. देखिए हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, जिसकी वजह से आप कहेंगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन ईच कार्बन एटम
इट इज कंडक्टिंग इन नेचर, इट इज कंडक्टिंग इन नेचर. फिर एक पॉइंट पूछ लेते हैं, वो बताओ इन दोनों में कौन आइसोट्रॉपिक है और कौन एन आइसोट्रॉपिक है. ये क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक में ऐसे आता है कि डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन व्हाइल ग्रेफाइट इज अ ब्लैंक. आप लिख के आते हैं कि अगर एक सॉरी डायमंड इज अ एन आइसोट्रॉपिक व्हाइल ग्रेफाइट इज अ, आप लिख के आ जाते हो अगर एक एन आइसोट्रॉपिक है तो कैसा आइसोट्रॉपिक होगा. ये गलत हो गया, दोनों एन आइसोट्रॉपिक है. डायमंड भी एन आइसोट्रॉपिक है, एन आइसोट्रॉपिक है, और ग्रेफाइट भी एन आइसोट्रॉपिक है. एन आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है ये मैं शुरू बता चुका हूं आपको अपने पहले लेक्चर में इस चैप्टर के. डायमंड एन आइसोट्रॉपिक है, इसका मतलब है नॉट आइसो का मतलब होता है सेम, ट्रॉपिक का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन. मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन सेम नहीं होती, उनको एन आइसोट्रॉपिक कहते हैं. और मैंने बताया था डायमंड की हर एंगल पर चमक अलग अलग होती है, मतलब डायमंड की प्रॉपर्टी है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो अलग अलग डायरेक्शनों में अलग अलग होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन. इस वजह से हम कह सकते हैं कि डायमंड एन आइसोट्रॉपिक है. ग्रेफाइट को एन आइसोट्रॉपिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज ड्यू टू इट्स कंडक्टेंस प्रॉपर्टी, ड्यू टू इट्स कंडक्टिंग नेचर, इसका कंडक्टिंग नेचर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शनों में अलग अलग होता है. कैसे समझिए बात को. एक आपने ग्रेफाइट की हेक्सागोनल शीट ये बना रखी है, इसके नीचे ग्रेफाइट के हेक्सागोनल शीट और होगी, कुछ वो ऐसे होगी, ऐसे काम करेगी, वो शीट कुछ यूं चल रही होगी. एक हेक्सागोनल शीट ऊपर है, उसके नीचे हेक्सागोनल है, और ऐसे लाखों ले रहे होंगी जिसमें हेक्सागोनल शीट एक नीचे फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे, मतलब यहां पर जो लेयर्स हैं वो ऐसे हैं. डायमंड में जो लेयर है वो कैसे होती है, इस लेयर में ऊपर की लेयर फंसी होती है, ऐसे फंसी होती है, जबकि ग्रेफाइट में ये लेयर और ये लेयर ऐसे होती है. अब इसमें क्या होता है, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस लेयर में तो हैं और इसके फ्री इलेक्ट्रॉन इस लेयर में है, तो कंडक्टेंस जो होगा वो इस लेयर में होगा. कंडक्टेंस किस लेयर में होगी, कंडक्टेंस दैट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन. लेकिन इसका कोई इलेक्ट्रॉन यहां से कूद कर यहां नहीं जा सकता नीचे, ना नीचे कोई ऊपर जा सकता है. तो ग्रेफाइट में कंडक्टेंस पैरेलल टू लेयर तो होती है लेकिन परपेंडिकुलर टू लेयर नहीं होती, तो कंडक्टेंस डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग है. यहां इसकी कंडक्टेंस पैरेलल टू लेयर तो हो सकती है लेकिन परपेंडिकुलर टू लेयर यह नहीं हो सकती. परपेंडिकुलर टू लेयर नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां से अपनी लेयर में भागेगा लेकिन यहां से ऊपर या ऊपर से नीचे नहीं भागेगा. मीन्स कंडक्टेंस इज मैक्सिमम पैरेलल टू लेयर एंड जीरो टू परपेंडिकुलर ऑफ द लेयर, परपेंडिकुलर ऑफ टू द लेयर. तो ये भी एक डिफरेंट बात हो गई कि कंडक्टेंस नाम की प्रॉपर्टी एक डायरेक्शन में अलग है और दूसरे डायरेक्शन में अलग है. दिस इज द कॉज वी कैन से ग्रेफाइट इज एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्रूव दैट ग्रेफाइट इज एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, तो आप उस जगह पर कंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दीजिएगा. दूसरा, व्हाई ग्रेफाइट इज लुब्रिकेंट इन नेचर. क्या वजह है कि ग्रेफाइट में लुब्रिकेंट नेचर होता है जबकि डायमंड में नहीं होता. इसकी वजह है इन दो लेयरों के बीच पाया जाने वाला वंडरवॉल फोर्स. इन दो लेयर्स के बीच में वंडरवॉल फोर्स होता है
और इस ये फोर्स काफी वीक होता है और ये फोर्स वीक होने की वजह से हम इस फोर्स को तोड़ करके एक लेयर को दूसरी लेयर पे स्लाइड कर सकते हैं, और जब एक लेयर दूसरी लेयर पे स्लाइड हो सकती है तो उसी को तो लुब्रिकेशन कहते हैं। डायमंड में क्या है, एक लेयर दूसरे में फंसी हुई है इसलिए हम उसको एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे कि इसका लुब्रिकेशन नेचर दो लेयरों के बीच वंडर वॉल फोर्स की वजह से है, जहां पर एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती है और स्लाइडिंग लेयर की वजह से इसके अंदर लुब्रिकेशन नेचर आता है। तो ये छोटा डिफरेंस एकेडमिक लेक्चर के लिए था। अब हम लोग इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स। इसे कॉपी कर लीजिए, बताता हूं अगले लेक्चर में डिफेक्ट्स के बारे में।